आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 14 फरवरी की श्रवदान की। कभी आपने सोचा होगा कि हमारे जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, हमारी वो सेफ्टी और प्रोटेक्शन चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, ताकि हमारे साथ कोई गलत ना हो जाए और हमारे साथ में कोई लॉसेस ना आ जाए, हमें कोई हानि ना पहुंचे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो धन से रिलेटेड हो। इसी तरीके से परमपिता परमात्मा भी हमारी सेफ्टी और प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्योंकि वो हम आत्माओं के मुख्य परमात्मा हैं। वो आपकी सारी फैमिली की भी प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी फैमिली भी प्रोटेक्टेड रहे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो कर्म करें वो हम सोच समझ करके कर्म करें, और वो सोच समझ करके तब हम कर्म कर पाते हैं जब हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा होता है। इसका मतलब कि हम हर चीज को अर्पण करते हैं, जैसे कि हमने कल की मुरली में सुना और कल के वरदान में सुना कि जो भी संकल्प है उसको चेक करो। जैसे कि कोई प्रेसिडेंट होता है या राजा होता है, उसका खाना चेक किया जाता है, उसके अंदर कोई जहर तो नहीं है। तो हमारे संकल्पों में कोई जहर तो नहीं है कहीं, कि ये सोच जो हमारी है और वो जो बोल में और वो कर्म में परिवर्तन होगी, तो उसके द्वारा किसी को दुख तो नहीं होगा। सबसे पहले दुख तो हमें होता है, उसके बाद औरों को होता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से परमात्मा आज भी हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हम कर्म योग करें, मतलब कि हम कर्म करते हुए परमात्मा से कनेक्टेड होकर के स्लोली स्लोली एंड शक्तिशाली होकर के कर्म करें। तो परमात्मा के अपने ही शब्दों में सुनते हैं। कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए, जीवन कैसा हो? कमल पुष्प समान, हमारे संकल्प बिल्कुल प्योर हो, डिवाइन। माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भवा, माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भवा। तो कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में पुष्प कहा जाता है, मतलब कि आपका जो आसन है, जो कि देवी देवताओं को दिखाते हैं, वो बैठे होते हैं कमल के ऊपर। सेम ब्रह्मा बाबा को भी दिखाते हैं, ब्रह्मा जी को भी दिखाते हैं, किस पे बैठे होते हैं? कमल के ऊपर। इसका मतलब उनकी जो सोच होती है वो डिवाइन और प्योर होती है, इसलिए वो सिंबल है। इसका मतलब जो ब्राह्मण होते हैं उनकी सोच प्योर और पवित्र होती है, वो किसी के बारे में घृणा, नफरत या द्वेष नहीं रख सकते। अगर वो रखते हैं, क्रोध रखते हैं, इसका मतलब वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, तो आप कर्मयोगी बन जाते हो जब, तो आपके अंदर कोई कीचड़ नहीं आता है, मतलब कि आपका मन साफ रहता है। तो माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भव, क्योंकि कमल कहाँ होता है? कीचड़ में होता है। वो कीचड़ आपके ऊपर ना आ जाए, कमल से वो स्लिप हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, मतलब कि आप कहीं चल रहे हैं, आप खाना पका रहे हैं, या आप घर को देख रहे हैं, या फैमिली को देख रहे हैं, या आप कहीं पे काम करते हैं, या आप टीचर हैं, या आप कहीं पर आप एजुकेटर हैं, या आप कहीं पर आप बॉस हैं, तो उस समय आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी थॉट आ रहा हो आपको किसी सिचुएशन के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, उसको आप परमात्मा को अर्पण करते हैं कि परमात्मा कहता है मेरे पास में, बाबा मेरे पास में ये थॉट आया है, क्या ये संकल्प ठीक रहेगा करना, क्या इसके द्वारा मैं उसको वचन में लाऊं, क्या उसको मैं कर्मों में लाऊं। तो वो हो गया आपने कमल पुष्प पर बैठ करके परमात्मा से योग लगा करके उनके सामने उनको ये अर्पण किया। हम क्या करते हैं, क्या हम फूल अर्पण कर देते हैं, हम फल अर्पण करते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम अपने संकल्प अर्पण करो, ताकि वो संकल्प फूल जैसे हो और उनका फल जो हो वो बहुत अच्छा हो, मतलब कि कर्म का फल। तो संकल्प भी एक कर्म है। फिर परमात्मा कहते हैं किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच ना करे। तो आप लोटस जैसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो पवित्र, तो उसमें कोई कीचड़, क्रोध, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, आलस्य, अर्पेलापन, ये सारी चीजें उसको टच ना करे, उस संकल्प को उसको मैला ना कर दे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। आत्मा में जो कमजोरी होती है उसके अंदर वो दृढ़ता नहीं होती कि वो अच्छे संकल्प कर पाए, तो क्या होता है उसके अंदर, क्या होता है, इम्प्योरिटी आती है उसके अंदर, संकल्प बहुत गंदे आने शुरू होते हैं। गंदे का मतलब कि अश्लील नहीं, सिर्फ गंदे मतलब घृणा के, नफरत के, आलस्य, अलबेलापन के, नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकती मैं, ये सारे संकल्प उत्पन्न होने शुरू होते हैं, क्योंकि हमारा योग नहीं है, परमात्मा से कनेक्शन नहीं है। हमने अगर किया, सुबह किया एक बार 5-10 मिनट करा, फिर हमने शाम को किया 5-10 मिनट, और बीच में हम भूल गए। तो वो चीज करना बहुत जरूरी है। परमात्मा कहते हैं कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली, हर दिन की जो मुरली है उसको सुनना, यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। किसके लिए? आत्मा के लिए। अगर आप मुरली सुनते हैं तो हर दिन परमात्मा आपको गाइडेंस देते हैं, आपको खबरदार करते हैं कि आज हो सकता है ये हो सकता है आपके साथ में, इसलिए वो जो वरदान बोलते हैं या जो मुरली में पॉइंट्स आते हैं वो ही हमारे लिए खबरदारी हो जाती है कि आज बच के रहना बच्चे, ये कहीं हो ना जाए आपसे पाप।
फिर परमात्मा कहते हैं यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। मन में मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो, मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो। कैसे? मुरली सुन लिया सिर्फ, फिर भूल गए नहीं। मुरली में जो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे, जो आपके लिए एप्लीकेबल है एंड हर एक आत्मा के लिए एप्लीकेबल होते हैं, उसमें उसको आपने चिंतन किया, चर्न किया। कहते हैं ना कि कोई चीज को चर्न करते हो तो उसमें क्या होता है, उसका गुण बढ़ जाता है। अगर आप दूध को चर्न करोगे तो मक्खन होता है। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने क्या खाया था, मक्खन खाया था। लेकिन वो अगर आपने कोर्स किया तो आपको पता चलेगा उन्होंने मक्खन खाया कब था, सबसे पहले जन्म में कि सबसे लास्ट जन्म में। तो सबसे लास्ट जन्म में उन्होंने ये ज्ञान को समझा, परमात्मा से मिले हुए ज्ञान को, और उन्होंने वो मक्खन खाया, ज्ञान रूपी मक्खन, और उनके अंदर वो बल आया। तो मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ होंगे या रहेंगे। तो वो माया रूपी कीचड़ जो होगी वो शक्तिशाली मन के सामने वो ठहर नहीं सकती है। मतलब कि वो गंदे थॉट्स, वो इम्प्योर थॉट्स, घृणा के थॉट्स, नफरत के थॉट्स, क्रोध के थॉट्स और उनकी बुराइयां देखने के थॉट्स आपके अंदर आ ही नहीं सकते हैं अगर आपका कनेक्शन है, मतलब आप कर्म करते समय योग में है। यानी कि सुबह उठे मेडिटेशन किया और फिर सीधा रात को मेडिटेशन किया, नहीं, बीच का समय जो है उसमें हमें कर्म योग करना है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हमें परमात्मा पिता को, प्रकाश पुंज को, जिनको हम परमात्मा या बाबा कहते हैं, उनको हमें याद करना है। ये हमारे अच्छे के लिए है। कहते हैं ना, जैसा साथी रहोगे वैसे बन जाओगे। अगर परमात्मा को ही साथी बना दे तो हमारा हर सेकंड जो संकल्प होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि परमात्मा पवित्रता के सागर है और हम भी वैसे संकल्प कर पाएंगे। ये करना कैसे है, इसको आपको सीखना पड़ेगा 70 कोर्स करने के बाद में, फिर मुरलियां सुन करके। इसके साथ ओम शांति।